क्या माहौल चल रहा है यहाँ गांव में चुनाव? इधर जी कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है गांव में? गांव में कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है, कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है। क्या माहौल चल रहा है गांव में चुनाव को लेके, कौन आ रहा है इस बार? क्या माहौल चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। बता दो गांव में क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है? माहौल बता दे, कांग्रेस का ही माहौल है। क्या माहौल चल रहा है गांव में चुनाव के लेके, क्या लग रहा है, कौन आएगा, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक लोकसभा के कंसाला गांव में। हमारे साथ यहां पे ग्रामीण हैं जो ताश खेल रहे हैं, उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पे लोगों की क्या राय है, क्या माहौल चल रहा है चुनाव के लेकर। नमस्ते, नमस्ते, इनसे बात करो, क्या माहौल चल रहा है यहाँ गांव में चुनाव? इधर जी कांग्रेस का चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है। हाँ जी, कांग्रेस का चल रहा है जी। अच्छा, कांग्रेस का चल रहा है। हाँ, कांग्रेस का जो 10 साल से बीजेपी थी, बीजेपी ने कोई काम नहीं आया जी, कोई काम नहीं आया, ना गांव का विकास होया, ना कोई तरक्की हुई इधर, ना कोई नौकरी मिली, ऐसे चल रहा है। लेकिन बीजेपी तो बोलती है उन्होंने बहुत सारे, बोलने से थोड़ा आता जी, ग्राउंड में देखो ना, ग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप बीजेपी से खुश नहीं है, आप चाह रहे कांग्रेस आए, तो फिर किस, कौन सा प्रत्याशी देखना चाह रहे कांग्रेस की तरफ से, कौन आना चाहिए? मुख्यमंत्री वो आना चाहिए अपना, ये वो दीपेंद्र हुड्डा आना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा आना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी, हाँ जी, अरविंद शर्मा भी? नहीं नहीं जी, अरविंद शर्मा नहीं, पिछली बार भी सांसद रहे। नहीं नहीं, हम ब्राह्मण है, हमारा कभी पता भी नहीं करा उसने, मरा एक बार भी नहीं है, उन्हें नहीं पता कंसाला कहाँ है। अच्छा, सीधा बोल देना, हमारा नाम ले देना, करमवीर पंडित जी बोल रहा था, हमारे गाँव में आया ही नहीं, आज तक दर्शन देने नहीं आया, माला डलवाने तो आ जाता है, फायदा क्या उसका हमारे को? अपना सांसद हमारा ब्राह्मण होगा, कुछ फायदा क्यों उठाया हमने? कोई फायदा नहीं उठाया उसको, कौन फायदा देगा? हमारा दीपेंद्र देगा, पिछली बार काम किया उन्होंने, वो दीपेंद्र फिर भी आगे बेरा लेता है, कोई मर जाता है, जीतता है, कुछ अच्छा, भी है, शादी है, वो नहीं आता कभी, वो तो मार और देगा, वो आएगा कहाँ। किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं चुनाव के बाद में आप, किस तरीके का बदलाव चाह रहे हैं? हम तो वही चाह रहे हैं, जैसे पहले हुड्डा रहा था, हुड्डन काम करवाए थे, विकास करवाए गाँव के, फिर पानी की निकासी नहीं होती गाँव की, सड़कें वगैरह बनी हुई, कुछ नहीं बने, ऐसे पड़े, बिजली भी अभी आज अभी हुआ है थोड़ा, ठेके होने के बाद, ना तो पहले ऐसी था। अच्छा, बिजली नहीं था पहले, अब है, है? थोड़ा बहुत, कुछ नहीं कर, ये ठेके वाले आए ही न कर, बस थोड़ा बहुत। गाँव में कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है, कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है, बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं जाएगी। सांसद कौन से बड़े दोनों में से, अरविंद शर्मा की दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। अरविंद शर्मा क्यों नहीं? अरविंद शर्मा आया ही नहीं कभी, एक बार भी नहीं, पिछली बार भी सांसद थे, इस बार फिर से उन्हें टिकट मिला, हमने देखा ही नहीं आज तक अरविंद शर्मा। अच्छा, और दीपेंद्र हुड्डा? वो तो आता है, आते रहते हैं। हाँ जी, किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? कांग्रेस का चाहिए, कांग्रेस का चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है? मेदावर्त। क्या माहौल चल रहा है गांव में चुनाव को लेके, कौन आ रहा है इस बार? क्या माहौल चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ, वो कांग्रेस का माहौल चल रहा है। अच्छा, हाँ, 10 साल से बीजेपी का राज था, बीजेपी राज में कुछ नहीं है यहाँ, सब यहाँ पे लोग? ना ना, बीजेपी का कहाँ राज है, ये भी ओले पड़ रहे हैं, हमारा खेती बाड़ी में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अरविंद शर्मा बीजेपी तो यहाँ तक आके पूछा भी नहीं है। अच्छा, लेकिन बीजेपी सरकार तो बोल रही थी कि मुआवजा देंगे। ना ना, अभी आज तक तो 5 पैसे मिले नहीं है। अच्छा, फ्री राशन देंगे, फ्री बिजली? ना ना, कुछ नहीं पड़ी है यहाँ तक ना। सांसद कौन से बड़े दोनों में से, दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा हैं, एक आधी बार हमने दुख में सुख में कभी पूछ तो लेते हैं आगे। अरविंद शर्मा? ना, अरविंद शर्मा ने तो हमारे गांव में शक्ल भी नहीं दिखाई आज तक। दोनों सरकारें रही है, दोनों के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कौन बेहतर है, कांग्रेस बेहतर है? कांग्रेस बेहतर है, कांग्रेस बेहतर है। हाँ, अच्छा, इतना बता दो गांव में क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है? बीजेपी को काम में नहीं करवाते, जबकि बीजेपी का क्या काम होनी चाहिए गांव के अंदर? कोई विकास का काम कुछ भी नहीं है, गलियों में ईंट ट्रेल नहीं लगती, कितने भी गंदे पानी का माहौल वो हमारा है, निकासी का कोई निकासी का प्रोग्राम नहीं करती गाँव में। अच्छा, बिजली वगैरह? बिजली पूरा गांव बिल भरने लगे, जब बिजली देने लगे, नहीं तक बिजली नहीं थी।
और बिलों का फॉल्ट है, जो सोलर से बिजली फूक है उनका भी हजार हजार रुपये महीने के बिल बिलाते, बिजली महंगी नहीं, ठीक बिल नहीं निकाल के देते। अच्छा, रोज ज्यादा बिल दे। रोजगार की बात करें तो रोजगार कुछ नहीं, रोजगार नहीं, नहीं। इससे पहले कांग्रेस थी तब था रोजगार। हाँ उन भी दिए थे रोजगार, उन दिए बतेरे, पर उनका भी काट था, पर माहौल कांग्रेस का ही ज्यादा है। पिछली बार कैसे हार गई थी कांग्रेस? कैसे हमारे यहाँ से नहीं आ रहे? अच्छा, हाँ हमारे यहाँ से नहीं आता। आपकी बार फिर कौन आ रहा है? हमारे यहाँ हमने पहले भी दीपेंद्र जी तो आ जाए, फिर दीपेंद्र जी थे। हाँ, क्या नाम है आपका? विजेंद्र जी। क्या माहौल चल रहा है गांव में चुनाव के लेकर, क्या लग रहा है कौन आएगा, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ जी। बीजेपी क्यों नहीं? नहीं जी, नहीं आएगी ना। क्या नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी कोई कुछ नहीं करा, जमींदारों के लिए भी नहीं करा, ना नौकरी दी ना और कुछ कर। लेकिन बीजेपी तो बोलते उन्होंने इतना कुछ करवाया है। करवाएगा जी, कोई करवाएगा, यहाँ तो करवाया नहीं, करवाया। अच्छा, सांसद कौन सा बढ़िया है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, अरविंद शर्मा क्यों नहीं? हाँ जी, ब्राह्मणा हमारे ब्राह्मणा के लिए कुछ नहीं करा, तो कुकर बढ़िया गाँव में आए ब्राह्मण है। हाँ जी। अच्छा, पिछली बार भी वो सांसद थे, आपकी बार फिर से वो खड़े हुए हैं? आपकी बार भी जमानत बताओगी जी? अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपकी बार कौन जीतेगा दोनों में से, क्या लग रहा है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, फिर पिछली बार कैसे हार गए थे दीपेंद्र हुड्डा? रोड करके जता दिया जी। आपकी बार नहीं होगी ऐसा? ना आपकी बार नहीं होगा जी। ब्राह्मणों का मॉडल की बात किसकी तरफ जाएगी? कांग्रेस की तरफ जी, हम सारे ब्राह्मण तो हैं। अच्छा, आड़े सारे ब्राह्मण हैं भाई साहब। लेकिन ब्राह्मण का जब साथ हो, जब भाई कोई आज तक ब्राह्मणों की आगे पूछी हो भाई तुम कौन से गांव में हो, भाई तुम दुखी हो या सुखी हो, या ब्याह में या शादी में, किसी का आगे पूछा जब बताए हम ब्राह्मण माना, वैसे ब्राह्मण क्या माने उसको, ये बताओ। अभी ये पीछे बन रहे थे, बने के वो बनने के बाद भी कोई आज तक गांव में ये नहीं, अग भाई तुम कैसे जी रहे हो, कैसे काम चल रहा है, कोई नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए या क्या है, कोई माहौल नहीं है। हाँ, तो वोट मांगने आएंगे किस आधार पर आप लोग? हम्म, जब वोट मांगने आते हैं तो किस आधार पे वोट करते हैं आप? काम देख के कर रहे, पार्टी को देख? हम तो सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। अच्छा। भाई बंदा कैसा है, काम कर रहा है लोगों के साथ, इसका कैसा व्यवहार है, उसी के हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं। तो अरविंद शर्मा का कैसा व्यवहार है? अरविंद शर्मा का व्यवहार आज तक क्या हुआ, यहाँ तक आकर देखा ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, एक बार भी नहीं है? नहीं जी, यार नहीं। और फिर एक बात बताओ, अगर हम समाज की तरफ जाएं मानो, और तो हम उसके समाज के हैं, कम से कम ये तो आने का उनका ये फर्ज है भाई, हम भाई मेरा समाज यहाँ कितना है, भाई कैसे रह रहे हो, दुखी हो या सुखी हो। अच्छा, अगर अभी अरविंद शर्मा यहाँ आ जाते हैं तो फिर उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे, वो कहेंगे जो आपके सामने करे। हाँ, आज तक कोई समस्या है यही कहेंगे जी, और क्या कहेंगे कि अब कैसे आ गए? आ जाओ। हाँ, पहले कह नहीं आए 5 साल में, वोट लेने के लिए आ जाता है 5 साल, तो काम करने के लिए भी आना चाहिए। मतलब सिर्फ वोट मांगने के लिए आते, उसके बाद काम के लिए एक बार भी नहीं आया? ना, आप सारे गांव में सर्वे कर लो, यहाँ कोई कुछ नहीं। अभी अभी क्या है, इतना नुकसान है हमारे गांव में कि हमने खाने के लिए और पशुओं के लिए चारा भी मोल लेना है और गेहूं भी मोल लेने हैं। उस भाई साहब ने कभी आज तक यूँ नहीं सोची, ले भाई जाकर एक बार ये तो देखें भाई उन भाइयों की कंडीशन क्या है। तो आएंगे तो अभी सारी बातें उनके, हाँ उनके सामने जरूर होंगी। गिरदावरी भी नहीं हुई, कल तहसीलदार और पटवारी आने को कह रहे थे, कल भी नहीं आए, काफी दिन से बाट में हम, अब तक गिरदावरी नहीं हो रही। जो सब्जी के किले हैं वो खाली दिखा रखे हैं, कुछ काटा फिट्टी हो रही है। अभी तक ओले पड़ने के बाद सर्वे भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया पे सूत्र। 2022 का मुआवजा था, 2000 अभी कह रहे थे कि मुआवजा देंगे, ना ना 2022 का मुआवजा अभी इन दिखाया है। अच्छा, अभी ये नहीं अगर उसको देंगे ना, भाई लोगों को ये दिखाया है भाई हमने, ये एक का 30,000 रुपये 30,000 रुपये, और किसी का 60 रुपये किलो एकड़ का, 6 रुपये भी, 6 रुपये भी, कितने आए ये कितने?
पटवारियों ने भी बेदस्ता रखा, कोई उन्होंने कोई सुनवाई नहीं होती। डीसी का जालिया पूरा गांव डीसी का जालिया, अगर जी मारे का खाने का दाने भी नहीं। अब की बार ये शहर पे क्या है, मतलब एकड़ का शहर पे कैसे दी? शहर पे मौजूद है, एक एकड़ का पूरा छह रुपये, 100 रुपये और आधे किले का 22,000 भी दे रखा उसके साथ लगते का, और 35,000 भी दे रखा है कईयों का, नहीं तो लगभग 50 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये, 6 रुपये भी हैं। मतलब कहने का मकसद ये है हमारा, क्या जी शहर पे आए? हाँ जी आए हैं जी, हाँ जी 2022 के माह आए हैं 6 रुपये। अब दिखाया भी अब है, अभी दिखाया दिखाया मिला नहीं। हाँ दिखाएंगे जी, वो 6 रुपये अभी दिखाए हैं, वो प्रदेश है जी, मिला नहीं हमारे पास। ये मुआवजा कौन सा है? ये 2022 का है जी, ज्यादा बारिश हो गई थी झंडे में, गेहूँ की फसल में ज्यादा बारिश हो गई थी, बोले वर्षा अभी हुआ फिलहाल, और वो 22 का है अभी, तो मतलब 22 वाला दिखाया है अभी फिलहाल का, तो कोई जिक्र ही नहीं है। बोले का तब यू है ये पहले 2022 का मौजूदा गाँव में आया जरूर, बाकी ये को शहर पे आ गया तो कितना, हाँ किसे 50 रुपये आ गया, किसे 60 रुपये आ गया, आज तो ज्यादा कम साढ़ा रहे फिर आज तो वो तो पहले आ गया अक्टूबर में, और जब ज्यादा नमा आया तब आने का भी लैम का डर लग रहा था या लिस्ट टाइम यार, ये लिस्ट भेजे अभी अभी इन लिस्टों से कुछ मिला नहीं है हमें। देखो ये 500 रुपये हैं, हाँ इनको देख लो, अभी ये नहीं है हमें कुछ इससे मिले हो, मिला कुछ नहीं है, अभी ये 22 का दिखाया फिलहाल की, तो जो ये फिलहाल हमारा ये जैसा तकत है ना ऐसी जमीन बना रखी है फसल की, हाँ जिसमें फसल है हमारे यहाँ कुछ नहीं किया, अगर करते तो हमने हम भी तो अपने मुंह से कहते हैं भाई भाई गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए कराया है, भाई हमारे इतना नुकसान हुआ तो कम से कम भाई हमारे जीने का रास्ता कुछ बताया है ना, यहाँ कुछ नहीं। किसान इतना परेशान क्यों, ये क्या किसान भी बहुत कुछ करते हैं, सरकार कर रही है ना किसानों सबसे बड़ा नुकसान एक किसान का और गरीब का ही कराया है, एक गरीब को शिकाया है अगर जो एम डिपू में से गेहूँ बाजरा ये दे रखा है, कोई धंधा देने वाली कोई बात है नहीं, बस उनको हर महीने बाजरा दे दो, तेल दे दो, गेहूँ दे दो, बस 500 रुपये हाँ जी, गेहूँ की फसल का जी 2022 का गेहूँ की 500, 250, 300 यही चल रहा, 500 है ज्यादातर, उस टाइम पानी का ज्यादा बारिश हो गई थी, बारिश ज्यादा हो गई थी, हाँ जी फसल की कटाई के टाइम बारिश हो गई थी ज्यादा, जैसे अब की बार ओलावृष्टि होगी ऐसे ही नुकसान था, अब की बार भी अब तक कुछ नहीं हुआ है कुछ भी, कल भी गांव कल भी परसों मैसेज कर रखा था गांव में तहसीलदार करदा और पटवारी सभी आएंगे, फिर शाम को मैसेज आ गया आज नहीं आ पाए, वो उन्होंने कहीं मीटिंग में जाना पड़ गया, अब तक नहीं आए हुए। ये यही एक जगह बैठ के कर दी थी, कहीं खेत में हंड के गिरदावरी नहीं करी, एक ही जगह बैठ के करी थी, अब भी दो बार रोहतक जा चुके हैं, अरविंद शर्मा के पास भी गए हैं, सीएम के पास भी गए हैं, अब तक कोई आया नहीं, कल आने दे, कल भी नहीं आए, कल भी कहीं मीटिंग में चले गए। ये 500 रुपये कितने एकड़ का हिसाब से दिए? 500 एक एकड़ का 500 रुपये, एक एकड़ 500, हाँ जी गेहूँ की फसल का जी 2022 का गेहूँ की 500, 250, 300 यही चल रहा, 500 है ज्यादातर, उस टाइम पानी का ज्यादा बारिश हो गई थी, बारिश ज्यादा हो गई थी, हाँ जी फसल की कटाई के टाइम बारिश हो गई थी ज्यादा, जैसे अब की बार ओलावृष्टि होगी ऐसे ही नुकसान था, अब की बार भी अब तक कुछ नहीं हुआ है कुछ भी,
कल परसों मैसेज कर रखा था गांव में तहसीलदार करदा और पटवारी सभी आएंगे, फिर शाम को मैसेज आ गया आज नहीं आन पाए वो, उन्होंने कहीं मीटिंग में जाना पड़ गया, अब तक नहीं आए हुए। ये यही एक जगह बैठ के कर दी थी, कहीं खेत में हंड के गिरदावरी नहीं करी, एक ही जगह बैठ के करी थी। अभी दो बार रोहतक जा चुके हैं, अरविंद शर्मा के पास भी गए हैं, सीएम के पास भी गए हैं, अब तक कोई आए निकल आने दे, कल भी नहीं आए, कल भी कहीं मीटिंग में चले गए। हम करेंगे, आपका सर्वे करवाएंगे, उसके बाद तो कुछ आज तक तो हुआ नहीं है। दो तीन तारीख ने पड़े थे ना, पिछली तीन तारीख ने ओलावृष्टि हुई थी, तो अभी तक कोई ना मुआवजा थोड़ा है, सर्वे भी नहीं हुआ ना, अब तक देखने भी नहीं आए। लोकसभा की सर्वे किसकी करोगे फिर, किसकी करेंगे? ये आपने भी देख रहा है, ये तो बसी दे आदमी कोई भी है, हमारी तो कांग्रेस है, बीजेपी नहीं होगी। आज तक हमने बीजेपी से कोई लाभ नहीं मिल रहा किसी भी प्रकार का, लाभ तो ये किसी को पूछ ही नहीं रहे, कोई गांव में काम नहीं हुआ आज तक, गलियों का जोड़ का क्या है का डिग्गी का पंचायती कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। अरे नुकसान अभी फिलहाल हमारा 100% है, एक किले में आप लगा लो हमारी कम से कम 50-60 हजार रुपए पैदावार है, दिए कहाँ है, दिए हो तो आप यही कहते हैं भाई हमारे को 500 रुपए मिल गए। लिस्ट ये दिखा, ये भी 22 की दिखाई है, 2022 की है। अभी फिलहाल हमने अपना अनाज और चारा लेने के लिए अभी तो कुछ चाहिए, अब तक भी कुछ नहीं हुआ ना। ये 24 का हाल है, ये तो 22 की लिस्ट दिखाई है इन्हें, हाँ 24 का था जो